शुरुआत में ही मेरे माँ गुरु जी ने बताया मेरे अंदर बहुत ईगो था, टीचर थी ना थोड़ी, इसलिए ईगो था। माँ गुरु जी बताते थे, हमारे दर्शन माँ गुरु जी बोलते हैं ना, जाना था ना जाने ना, पूरा ले जाता था कानपुर, बस वैसा ही भी करती थी। माँ गुरु जी बताते थे अच्छा जी ऐसा करो, मैं करती थी वैसा। अगर पहले से ही मैंने ऐसा कर लिया होता तो दोस्तों आज 2 साल में 23 महीने में डायमंड बने हैं, मैं 1.5 साल में डायमंड बन के खड़े देती आपको। इनकी बातों में आपने देखा, नोटिस किया, 40 लोगों को प्लान देखने के बाद रिजल्ट 0, वो लेडीज 23 महीने में डायमंड बन सकती है। अब जरा सोचिए, 40 लोगों का ना सुनने के बाद भी 4 साल का बिजनेस मात्र 2 साल में पूरा किए, ये संभावनाएं तो हैं, संभावना है। अब जरा सोचिए, अगर ये 40 लोगों का ना सुनने के बाद रुक जाती तो, कि हमने 40 लोगों को प्लान दिया, कोई कर ही नहीं रहा है। जरा सोचिए, हम लोग 2 लोग का ना सुनकर के घबरा जाते हैं, और वहां संभावनाएं खत्म, 0 अगर रुक गए आपने तो। और अगर आप चल रहे हैं तो बिजनेस में संभावनाएं हैं कि आप 40 किया, आप 50, 70, 80, 90, 100, 109 ना सुनने के बावजूद भी ना, आपका बिजनेस 3 साल में पूरा हो सकता है। 4 साल बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये संभावनाओं का बिजनेस है। ए फॉर एटीट्यूड ना, तो एटीट्यूड कैसे यहां पे काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, और कुछ लोगों की बातें सुन के हम नेगेटिव हो आते हैं, क्या प्रदीप जैसा ही हुआ आपके साथ में, कुछ लोगों की बातें सुन के हम नेगेटिव हो आते हैं। मैं कहता हूं कि आप नेगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि आप 100% श्योर नहीं है। किसको लेकर के? कंपनी को लेकर के। आप 100% श्योर नहीं है कंपनी को लेकर के, इस कारण से किसी की बातें आपको इफेक्ट करती है। अगर आप 100% श्योर हो सेफ्सो को लेकर के, तो आपको किसी की बातें फर्क पड़ेगी नहीं। आप डाउट में होते हो और किसी की बातें आपको इफेक्ट करती है, किसी की बातें। अब डाउट में क्या आप है कि सच में होगा कि नहीं होगा, कंपनी अच्छी है कि नहीं है, हम डायमंड बनेंगे नहीं बनेंगे, सच में 8 लाख मिलता है नहीं मिलता है, यही सारी बातें हैं। और इस डाउट में जब आप रहते हैं, और वहां पे क्या होता है, जब आप किसी के पास जाते हैं और लोग बोल देता है अरे ये सब बेकार है, क्या बोल देता है, बेकार है, आप फंस गए, आप बेवकूफ बन गए, हमारे चाचा ने किया था, हमारा पड़ोसी ने किया था, हमारा भैगना ने किया था, हमारे फूफा जी ने किया था, कुछ नहीं हुआ, ये सब बेकार होता है। ऐसी बातें जब बोलते हैं फिर आपको लगता है कि हम कौन सा खेत की बोली है, बाय बाय सेफ्सो, अपलाइन फोन करता है, कट खत्म, सेफ्सो हो गया वहीं पे, यही हो रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी को 100% समझ ले तो शायद आप उनकी बातों से इफेक्ट नहीं होंगे। जैसे मान लेते हैं, आप जरा सोचिए, अगर उसने कहा उसके चाचा मामा फूफा सेफ्सो किए थे कर नहीं पाए, जरा सोचिए आपका बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहेगा जिस कॉलेज में जाएगा, क्या उस कॉलेज में सिर्फ आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, वहां पे लाखों बच्चे होंगे, वहां पे हजारों बच्चे होंगे, और आपको भी पता है कि हजारों बच्चे में से कोई 10, 15, 20, 25, 50 ही डॉक्टर बनेंगे। उसके बावजूद भी आप अपने बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आपको पता है कि 1000 में से मात्र 50 बच्चे डॉक्टर बनेंगे, लेकिन किसका एग्जाम्पल देते हैं आप समाज में बच्चों को, देखो बाबू वो फलना डॉक्टर है कितना कमाते हैं, समाज में वैल्यू क्या है। और आपको पता है कि वो अगर डॉक्टर है तो हजारों में से एक है। आप ये बोलते हैं कि बाबू अगर वो डॉक्टर है तो 1000 में से एक, 999 बच्चे आज मार्केट में घूम रहे हैं, छोटा मोटा क्लिनिक खोल के चला रहे हैं, एक डॉक्टर फेमस है मार्केट में, आप बच्चों को बोलते हैं ऐसा, जबकि फैक्ट तो यही है ना, फैक्ट भी तो यही है कि 999 डॉक्टर फेल हुआ तो एक डॉक्टर पास हुआ। लेकिन एग्जाम्पल कैसा देते हैं आप, जो किया, जबकि आपको पता है कि ना करने वालों की संख्या करने वालों से ज्यादा है, लेकिन वहां पे हम करने वालों का वैल्यू नहीं करते। यहां भी डायमंड है, यहां भी सफल लोग हैं, और यहां भी कुछ और सफल लोग हैं, ज्यादा और सफल लोग हैं, यूं कह सकते हैं। तो जब हम वहां पे बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं सफल लोगों की, तो यहां पे हम उसकी एग्जाम्पल में क्यों फंस जाते हैं कि वो फलाने किए थे, अरे मामा जी किए थे मैं करूंगा,
मामा जी नहीं कर पाए, मैं करके दिखाऊंगा। अरे आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बच्चा तो बनेगा ना, कि कॉलेज खराब है, कॉलेज खराब है। आपका बच्चा अगर उस कॉलेज में पढ़ा और नहीं बन पाया, मेरा बच्चा पढ़ेगा और बनेगा उसी कॉलेज से, कि कॉलेज ही खराब है। और यहां तो वही हो रहा है कि मेरे मामा जी नहीं कर पाए तो सेफ सब भी खराब है। अरे भाई साहब, आपके मामा जी क्यों नहीं कर पाए, आप उनसे पूछे तो सही। और हम वहां फंस जा रहे। तो ये 100% अगर आप श्योर रहेंगे सेफ सॉप के बारे में कि आज सेफ सॉप 24 ईयर्स, क्या ये आम बात है 24 साल मार्केट में रहना? क्या सर जाने वाली कंपनी सर 4 से 5 साल, 6 साल, 24 साल वाली कंपनियां मार्केट में अगर टिक गई है तो अपना भविष्य वहां आप देख सकते हैं। ये सब 24 साल पुरानी संस्था है सर, हजारों डायमंड यहां पे काम कर रहे हैं, हजारों डायमंड यहां पे हैं और लाखों लोग यहां पे काम कर रहे हैं। तो ये आप समझिए इस बात को। और आप खुद को कहां देख रहे हैं, ना करने वालों में या हम करके दिखाएंगे? तो ना करने वालों में क्यों फंस रहे हैं उनकी बातों को सुन करके, है ना? और ऐसा हो रहा है, हम नेगेटिव हो आते हैं लोगों की बातें सुन करके। और मेरे हिसाब से समझिए, जब मैंने अत्री मैम अपने पानी पिया, आज थके हुए हैं क्या आप? अब मेरे हिसाब से मानिए कि जब मैं सेफ सॉप 1 साल किया था, मैंने बाइक खरीदा, आप सबको पता है मेरा टेस्टिमनी सुनते हैं आप, मैंने बाइक लिया 1 लाख की। आप बिलीव कीजिए, जब मैं बाइक खरीद रहा था तो मैंने कुछ बाइक वालों से पूछा कौन सा बाइक अच्छा होता है। किन से पूछा? बाइक वालों से, ना कि साइकिल वालों से, बाइक वालों से पूछा कि कौन सा बाइक अच्छा होता है। सबने मुझे एडवाइस दिया यमहा। क्यों? क्योंकि आप फील्ड वर्क में है और यमहा का सब कुछ बढ़िया होता है फील्ड वर्क के हिसाब से, उसका इंजन अच्छा है, उसका रोड ग्रिप बढ़िया है। तो हमने क्या किया, बाइक वालों की बात सुनकर के हमने यमहा की बाइक ले लिया। मेरे पास यमहा की बाइक है। अब ये कब की बात है, 3 साल पहले की। अब बिजनेस तो आगे बढ़ रहा है, मेरी इनकम बढ़ रही है, लेवल बढ़ रही है। और आप सबको पता है 2024 में मैं कार भी लूंगा। अब बताइए, जब मैं कार लूंगा तो मैं किनसे पूछूंगा, कार वाले से या बाइक वाले से? बाइक वालों को पता कहां हुंडई अच्छा है कि सुजुकी अच्छा है, उसको यह पता है कि आलोक जी टीवीएस अच्छा है कि यमहा अच्छा है। उनको यह नहीं पता है कि हुंडई अच्छा है या मारुति सुजुकी अच्छा है या एमजी अच्छा है, उनको नहीं पता है। तो मैं जब कार लूंगा तो मैं कार वाले से पूछूंगा, भाई साहब कार कौन सी अच्छी होती है? वो बताएगा कि शिवम जी आप फील्ड वर्क में हो, आप ये कार लीजिए, आपका ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ये होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है सेफ सॉप में, हम कमाना चाहते हैं 8 लाख और एडवाइस किससे ले रहे हैं, 20 वाले से? नहीं ना, जो 20 कमाता है कि भाई जी अच्छा है क्या, किससे पूछ रहे हैं 8 लाख के बारे में, 20 वाले से। वो कह दिया बेकार सर, हम नहीं करेंगे। मेरा मामा जी कहा बेकार है, मामा जी कितना कमाते हैं 50 रुपया, और कहा आप एडवाइस के ले रहे 8 लाख के बारे में, किससे, 50 वाले से। आप बात समझ रहे हैं? हमको सर ने कहा शिवम जी अगर आप 50 कमाना चाहते हैं तो आप 50 वाले से पूछिए और उसकी बात को मानिए। भोला जी उसकी बात को मानिए, क्या कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, और 50 वाले की बात मानिए तो हो सकता है कि आप 50 कमा लेंगे। लेकिन अगर आप महीने की 8 लाख कमाना चाहते हैं तो किनसे आप पूछेंगे? 8 लाख किनसे पूछेंगे? जो 8 लाख कमाते हैं आप उनसे पूछेंगे कि भाई साहब आप 8 लाख बताओ कैसे कमाते हैं। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां हम किसी और से पूछ रहे हैं क्योंकि समाज में कौन लोग हैं, हमारे समाज में 1 लाख से नीचे का वाले लोग 90% लोग हैं। ऐसा सर्वे कहती है कि भारत देश में 90% लोगों की इनकम 1 लाख से नीचे की है और 10% लोगों की इनकम 1 लाख से ऊपर की है। ठीक है, अब हमारे समाज में 90% लोग कौन है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख। 8 लाख वाले क्या है, वो काउंटेबल है, जिसको आप ओनली काउंट कर सकते हैं, फलना जी एक तो 8 लाख कमाते होंगे, 5 लाख कमाते होंगे। और हम वहां फंस जा रहे हैं। तो मैंने तो हमेशा सीखा है कि अगर आपको 50 कमाना है तो 50 वाले से पूछिए, और अगर आपको महीने का 1 लाख कमाना है तो 1 लाख वाले से पूछिए, और अगर आपको 8 लाख कमाना है तो 8 लाख वाले से पूछिए। तो आपको अगर 8 लाख कमाना है तो सर उन लोगों की राय मत लीजिए
क्योंकि इस बात की गारंटी है कि जिसकी बात आप मानेंगे आप उसकी तरह बन जाएंगे। किसकी तरह? जिसकी बात आप मानेंगे आप उसकी तरह बनेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एडवाइस किसकी लेनी है। तो हमेशा अपना एटीट्यूड क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। ठीक है, रख सकते हैं। तीसरा क्या है? टीचेबिलिटी, यानी कि संस्था बोलती है कि सीखने सिखाने का बिजनेस है। ठीक है, सीखने सिखाने का बिजनेस है। अब कई लोग कहते हैं कि सर सीखना सिखाना का बिजनेस है तो आप लोग बोलते हैं या लोग समझते हैं कि यह काम जोड़ने का है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं यह काम जोड़ने का है। आप लोगों को लगता है यह काम जोड़ने का है? किसी को लगता है यह काम जोड़ने का है? सबको लगता है कि काम जोड़ने का नहीं है। वाह, क्योंकि हमको तो लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ो और जोड़ो, यही तो काम है। तो सर ये बिजनेस जोड़ने का तब होगा, आलोक जी ये बिजनेस जोड़ने का तब होगा जब आप 10,000 लोगों को जोड़ सकते हैं। क्या कोई ऐसे हैं जो 10,000 लोगों को जोड़ सकते हैं? कोई ऐसे हैं? नहीं है। तो फिर ये काम जोड़ने कैसे है? सोचने वाली बात है ना। क्या मुन्ना सर, सोचने वाली बात है कि हम में से कोई व्यक्ति 10,000 लोगों को नहीं जोड़ सकता है, तो फिर ये काम जोड़ने का कैसे है? आप 10,000 तक कैसे पहुंचेंगे? फिर सफलता तो वही है, डायमंड तो वही बनते हैं आप। यानी कि इस बिजनेस में अगर आप 10 कर लेते हो, 20 कर लेते हो, 30 कर लेते हो, तो उन 30 लोगों को सिखा करके क्या हो सकता है? आपका बिजनेस मल्टीप्लाई। क्योंकि जब आप जोड़ते हैं तो आपका बिजनेस है एडिशन, कि 1+1+1+1+1+1। आप सोचिए 10,000 तक कब पहुंचेंगे आप? 10,000 टाइम्स में। लेकिन अगर आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है तो जरा सोचिए क्या होगा? 2×2 कितना हो जाएगा? 4×2, 8×2। तो देखिए, 4 बार में आप कहां पहुंच गए? 16। और जब आप जोड़ रहे थे तो 1+1+1+1, 4 बार में 4। तो बिजनेस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा और दो लोगों को सिखाना पड़ेगा। अब आप सबकी क्षमता है कि मैं 10 कर सकता हूं, मैं 20 कर सकता हूं, मैं 30 कर सकता हूं। एक क्षमता है किसी की, क्षमता मैं 100 कर सकता हूं। लेकिन 100 कर लेंगे आप, 10,000 कैसे करेंगे? उस 100 को सिखा करके। अब किसी की क्षमता 10 करने की है, कोई दिक्कत नहीं, 10 ही कीजिए आप। लेकिन उस 10 को सिखा करके आप 10,000 तक पहुंच सकते हैं, जोड़ करके कभी नहीं, है ना। अब सीखेगा कौन? राजीव जी, जो ट्रेनिंग में आएगा। और आप देखिएगा, जो लोग कंटिन्यू ट्रेनिंग में है उनका बिजनेस लगातार चल रहा है, लगातार उनका चेक का फोटो आपके व्हाट्सएप पे आता है कि फलना जी का इतना का चेक, फलना जी का इतना का चेक, फलना जी का इतना का चेक। लेकिन जो लोग ट्रेनिंग नहीं आते हैं, इनकम जीरो है और सेफ सो खराब है उनके लिए। क्या खराब है उनके लिए? सेफ सो खराब है। लेकिन जो लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, जो बिजनेस को सीख रहे हैं, देखिए लगातार काम हो रहा है उनका, लगातार लेवल चेंज कर रहे हैं वो, क्योंकि सीख रहे हैं वो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। क्योंकि जो सीखेगा वही सिखाएगा, और जो सिखाएगा उसका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, उसका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मैं सीखा हूं तो मैं स्टेज पे खड़ा हूं, आप सीख जाइए, आप मेरा जगह लीजिए और आपकी टीम बैठी होगी और अपनी टीम को सिखाइए। और जब तक आप सीखेंगे, याद रखिएगा, जब तक आप सीखेंगे बेनिफिट सिर्फ मेरा है, जब तक आप सीखेंगे बेनिफिट सिर्फ मेरा है। लेकिन जिस दिन आपकी टीम सीखेगी तो बेनिफिट किसका है? तो अभी तक अगर आपकी टीम यहां नहीं आ रही है तो आपका बेनिफिट नहीं हो सकता दीपक जी। जब तक आप सीखेंगे बेनिफिट मेरा है, मेरी इनकम आएगी, आपकी नहीं। इसलिए इस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है कि आप भी आए और अपनी टीम को भी आप लेके आए। और अगर आपकी टीम में मात्र दो ही लोग हैं, मात्र दो लोग हैं, तो वो दो भी यहां होने चाहिए। तो अपनी टीम की जिम्मेदारी लीजिए कि क्या आपकी टीम यहां सीख रही है। चौथा क्या है? ईमानदारी। यानी कि संस्था कहती है कि ये ईमानदारी का बिजनेस। जैसे कि मान लीजिए कि आप जिस सेक्टर में काम करते हैं और आपकी इनकम जो भी है,
तो क्या विदाउट ऑनेस्टी आप वहां कमाते हैं? अगर आपकी इनकम महीने का 20 है तो क्या विदाउट ऑनेस्टी कमाते हैं आप? सबको ही पता है कि मेरी ऑनेस्टी वहां कितनी है, तब जाके कोई हमको महीने का 20 दे रहा है, तब जाके कोई हमको महीने का 30 दे रहा है। क्या राजीव जी, कि मेरी ऑनेस्टी क्या है? सर आपकी जॉब कितनी से कितनी है? आपकी जॉब का खड़ा हो जाइए, ये MR है। आपकी जॉब का टाइमिंग क्या है? 11 से 11 कितना घंटा हो गया? 12 घंटा हो गया इनका जॉब। क्या आप डेली इतना काम करते हैं? करना ही पड़ता है। कभी 12 घंटा से ज्यादा भी होता होगा? कितना ज्यादा होता है? 11 से 11 टाइमिंग है तो सुबह कितना जल्दी और निकलना पड़ता है? कभी कभी तो 6 बजे भी निकलना पड़ता है सुबह, या रात को 12 भी बज जाता है। देखिए, यानी कि इन लोगों की 30 दिन की उस काम के प्रति ऑनेस्टी है, तब जाके इन लोगों को जो ये सैलरी मिलती होंगी। बैठिए, और क्या ये ऑनेस्टी एक दिन की है? 300 दिन की है और 12 मास की है, और जब तक आपको वो जॉब करना पड़ेगा तब तक की है, तब जाके महीने का 10, 15, 20, 25, 30। तो जरा सोचिए, इस बिजनेस में आप लाखों चाहते हैं कि मेरी इनकम 8 लाख रुपया हो। सर विश्वास बात मानिए, 80,000 छोड़िए, 8,000 वाली ईमानदारी यहां इस बिजनेस में नहीं है लोगों की। जहां आप 15, 20, 25 कमा रहे हैं, वहां की ऑनेस्टी देखिए आपने, कि कभी कभी हमको ओ टाइम से पहले आना पड़ता है और आने का टाइम वही है, और ये ईमानदारी इनको देनी पड़ती है वहां पे। तो इस बिजनेस में हम सब महीने का 8 लाख कमाना चाहते हैं, लेकिन ऑनेस्टी क्या है? 8,000 के लायक भी नहीं। क्यों लायक नहीं मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इस बिजनेस में क्या होता है, आप अपनी मन मर्जी से काम करते हैं। मेरा मन किया तो मैं करूंगा, मेरा मन नहीं किया मैं नहीं करूंगा। लेकिन क्या ऐसा जॉब में होता है? तो सेफ्सो कहती है कि भाई साहब, अगर आपको 8 लाख रुपया कमाना है तो इस बिजनेस के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाइए। और ईमानदारी क्या होती है? कि आप डेली इस बिजनेस में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना आप दे सकते हैं उतना आप दे, डेली दे, डेली। अगर आपको लगता है कि मैं 1 घंटा दे सकता हूं तो 1 घंटा डेली दे। अगर आपको लगता है मैं 2 घंटा दे सकता हूं, 2 घंटा डेली करे। अगर आपको लगता है कि 3 घंटा मैं दे सकता हूं डेली, तो 3 घंटा दे। तो आपको क्या लगता है कि आप 1 घंटा दे सकते हैं तो 1 घंटा दीजिए, लेकिन डेली दीजिए, डेली दीजिए। यह है ईमानदारी सेफ्सोक में। यह नहीं कि अगर मैं आज फ्री हूं मैं 5 घंटा काम करूंगा और कल परसों तरसों गायब। अपलाइन फोन कर रहा है, सर मैं बिजी हूं, फोन कट। तो भाई साहब, आप अपने जीवन में जो आप कमा रहे हैं, जो आपके पास है वही रहेगा, लेकिन जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं मिल सकता है। क्या समझ रहे हैं बात को? तो ऑनेस्टी इस प्रकार से आप यहां पे दिखा सकते हैं। अब क्या है यहां पे? व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। यहां पे 3 बातें ऐसी हैं जो आपको 100% सक्सेस देगी। जैसा कि पहला क्या है, 90% एक्साइटमेंट, और क्या है, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। यानी कि इस बिजनेस में 90% जो सफलता देगी आपको वो आपका एक्साइटमेंट है। आप कितना अच्छा बोल लेते हैं, आप कितना अच्छा एजुकेटेड हैं, आप कितना अच्छा पढ़े लिखे हैं, आपका डिग्री क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेफ्सोप में, 90% सफलता आपको देती है आपका एक्साइटमेंट, कि आप जब भी सेफ्सोप करें उत्साह के साथ करें। मरियल तरह किसी के पास जाएंगे तो आपके साथ काम नहीं होगा। मरियल समझते हैं मुन्ना सर ना, कि किसी के पास गए उदास होकर के, और लोग समझ जाते हैं कि फंसा है, हमको फंसाने के लिए आया। आप क्या बोलते हैं, भाई सी एक तो प्लान देख लीजिए ना, हमको प्रदीप फंसा दिया थोड़ा, देखिए। क्या प्रदीप जी, थोड़ा आप देख लीजिए कैसा है प्लान, अच्छा लगे तो कर लीजिएगा। आप ऐसे ही बोलते हैं। यहां पर क्या हो गया, 90% एक्साइटमेंट खत्म और इन रिजल्ट 0। तो क्या इस बात से फर्क पड़ा कि आप कितना अच्छा प्लान देते हैं? इस बात से फर्क पड़ गया कि आप में एक्साइटमेंट की कमी होने के कारण व्यक्ति आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। क्योंकि आप जरा सोचिए, आप किसके साथ दोस्ती करना चाहेंगे? वो व्यक्ति जो हमेशा रोता हो, या वो व्यक्ति जो हमेशा जोश, हमेशा खुश रहता हो? आपको किसका माहौल अच्छा लगेगा? तो आप जब टीम बनाना चाहते हैं तो आपके साथ टीम कब बनेगी? लोगों को जब लगता है कि आप हमेशा खुश रहते हैं, आप हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन जब आप उदास होते हैं, जब आप किसी के पास जाते हैं विदाउट एक्साइटमेंट, वो आपके साथ कभी नहीं जुड़ना चाहेगा। और आप क्या बोलते हैं, सर कोई जुड़ता कहां है? आप क्या बोल रहे हैं, कोई जुड़ता नहीं है। दिक्कत कहां आ रही है? ये एक्साइटमेंट। अब आप बताइए, कोई कह सकता है सर
हम में एक्साइटमेंट नहीं है, कोई कह सकते हैं है? तो हम क्या बोलेंगे, सर फलना दुकान में 50 रुपए केजी मिलता है, जा खरीद लीजिए। अगर ऐसा होता तो जाकर खरीद लेते हम कि जय सर दुकानदार जी 1 किलो एक्साइटमेंट दीजिए, थोड़ा सेफ सब में काम है हमको है? ऐसा है क्या? तो एक्साइटमेंट नहीं है तो कैसे आएगा, कैसे आएगा? जब आपका विजन इस बिजनेस के प्रति क्लियर होगा, जब आपको अपना लक्ष्य साफ दिखेगा, जब आपको अपना लक्ष्य साफ दिखेगा। और मैं यहां पे वैसे लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी टीम कितनी बन चुकी है, 2 की। कितनी की? अगर आपकी टीम मात्र 2 लोगों की है तो आपका विजन सेफ शॉप में क्लियर होना चाहिए। क्यों बताए? याद कीजिए, जब आपकी टीम 0 थी, जब आप सेफ शॉप ज्वाइन किए थे, आपको लगता था हमसे 1 भी नहीं हो पाएगा, याद कीजिए। और आपको लगता था कि हमसे 1 भी नहीं हो पाएगा, और आपकी टीम 2 की है, इसका मतलब यह होता है आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि अगर 2 हो सकता है तो 10,000 भी हो सकता है, 2 हो सकता है तो 10,000 भी हो सकता है। और जिनकी टीम 20 की है, ब्रॉन्ज। अब ये ब्रॉन्ज किसी के पास जो आज ज्वाइन किया है, बोल दे हम ब्रॉन्ज हैं और मेरी टीम 20 की है, उसके लिए वो सपना है ब्रॉन्ज बनना। क्योंकि भाई साहब उस व्यक्ति को लगता है कि हमसे 1 नहीं हो पाएगा, और आप क्या बोलते हैं, मैं ब्रॉन्ज हूं, 20 की टीम है। यानी कि अगर अब तक आपका विजन क्लियर नहीं हुआ है तो कभी नहीं हो सकता है। 2 की टीम पे हो जानी चाहिए कि जब मैं 2 कर सकता हूं तो मैं 2,000 भी कर सकता हूं और 10,000 भी कर सकता हूं। क्योंकि 2 भी करना किसी का सपना है। कुछ लोग तो ऐसे बोल देते हैं हमसे सर 1 भी नहीं हो पाएगा, और आपका 2 हो चुका है ना। तो एक्साइटमेंट हम इस बात से हो सकते हैं कि भाई हमसे 2 हो चुका है तो 2,000 भी होगा। और क्या है 8%? ये आगे देखेंगे। 2% क्या है? फाइन ट्यूनिंग। 2% फाइन ट्यूनिंग। अब ये फाइन ट्यूनिंग क्या है? ये फाइन ट्यूनिंग है आपस का। किसका आपस का? अपलाइन और डाउनलाइन का। और इस बिजनेस में क्या होता है, एक देसी भाषा में कहावत है कि इस बिजनेस में कुछ भी करना हो तो किससे पूछेंगे आप? क्या पूछेंगे आप कि सर ये काम होगा कैसे? और नीचे कौन है? डाउनलाइन। अब आपने अपलाइन से पूछा कि सर ये काम होगा कैसे, तो जो आपका डाउनलाइन है उसको बताइए ये काम होगा ऐसे। तो ऊपर से कैसे और नीचे को और बीच में कमाओ पैसे। लेकिन अगर आपका कैसे और ऐसे से फाइन ट्यूनिंग यानी कि तालमेल खराब हो जाए तो पैसे आएंगे? तो ये 2% फाइन ट्यूनिंग है जो आपको अपने अपलाइन के साथ और आपको अपने डाउनलाइन के साथ रखना है। अब ये कैसे होगा रखना? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी टीम 2 की है, जिनकी टीम 2 की है, और आप अपने आप डेली उन 2 लोगों से बात करते हैं? बात करते हैं संजय झा जी, इनका तो मानेंगे, संजय झा जी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये वैसे शख्स हैं सुबह 6 बजे अपनी टीम से मिलने आते हैं डेली। आप ग्रुप चेक कीजिए, डेली अपनी टीम से मिलते हैं। इनकी टीम अगर 10 लोगों की है, मैं कहता हूं 10 में से 10 लोगों से मिलते हैं। इनकी फाइन ट्यूनिंग टीम के साथ इतनी जबरदस्त है ना, आप सभी लोग उनसे सीख सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग क्या बोलते हैं प्लीज मैम? और आपकी टीम 20 की है, सच्चाई ये है सर उसका नंबर थोड़ा दीजिए ना हमको। किसकी पूछ रहे हैं हमसे आप? अपनी टीम की। अरे क्या आप है, आपको अपनी टीम का नंबर नहीं पता है? आप अपनी टीम को पहचानते नहीं है? वो शख्स दिल्ली मिल रहा है सुबह, अब बताइए उसकी टीम के साथ फाइन ट्यूनिंग अच्छी होगी आपकी होगी? किसकी होगी? किसका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, उनका होगा कि आपका होगा? क्योंकि वो अपने एक एक व्यक्ति से दिल्ली मिलते हैं, उनका तालमेल अपनी टीम के साथ इतना जबरदस्त है ना। और तालमेल अगर अच्छा हो गया सर ना, बिजनेस दौड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस रिश्तों का बिजनेस है। ये बिजनेस किसी का बिजनेस है? और आपका रिश्ता आपकी टीम के साथ जितना मजबूत होगा ना, आपकी टीम आपके लिए जान दे सकती है, प्राण दे सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर आपकी टीम के साथ रिश्ता अगर आपका अच्छा नहीं है, आपकी टीम कुछ नहीं करेगी। और अगर टीम नहीं कुछ करेगी तो आपका कुछ नहीं होगा। कितने लोग ऐसे हैं कि अपने अपलाइन से डेली बात करते हैं आप? छोड़िए सवाल गलत है, नहीं करते हैं, बताइए।
अपने अपलाइन से आप डेली बात करें। ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं करते हैं? आप नहीं करते राजीव जी? तो अगर राजीव जी अगर ऐसा नहीं करते हैं या और भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करते होंगे, पता है क्या हो रहा है तब कि घर में वायरिंग हो गया है लेकिन मेन तार कहां नहीं जुड़ा हुआ है? पोल पे। घर में वायरिंग हो गया है मतलब सेफ फोक ज्वाइन कर गए हैं, टीम बन गई है, टीम से बात भी होती है और अपलाइन से बात नहीं होती है, मतलब क्या हो रहा है कि वायरिंग हो चुका है, हर घर में वायरिंग हो चुका है लेकिन जो मेन तार जो सबको बिजली देगा वो मेन तरफ का पोल में नहीं लग जुड़ा हुआ है। तो कहे जी क्या होगा, लाइन देगा? नहीं। घर में को बोलन बढ़ेगा क्या सर जी? घर में को पंखा नहीं चलेगा आपका अगर वायरिंग हो गया हो और आपका मेन तार मेन ट्रांसफार्मर से जुड़ा ना हो। यस यस। तो इस तरह की फाइन ट्यूनिंग आपको अपने टीम के साथ और आपको अपने अपलाइन के साथ रखनी है। रख सकते हैं? ड्रीम। इस बिजनेस में वो लोग जल्दी सफल होंगे जिनके पास ड्रीम है, जल्दी सफल हो जाएंगे, क्योंकि ड्रीम ही ऐसा चीज है जो आपको सोने नहीं देगा। और इस बिजनेस ड्रीम क्या क्या हो सकता है? पहला है फ्लाइट, दूसरा है आपका क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम, और तीसरा क्या है, क्रूज, वर्ल्ड टूर, इस पे तो वर्ल्ड टूर ही होता है, और तीसरा चौथा क्या है, सपनों का घर, और क्या है ये, बीच, और ये क्या है। चलिए अब ये सारे सपने पूरे होते हैं, ये सारे सपने पूरे होते हैं तो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं कि ये सारे सपने सेफ सॉफ्ट में कैसे पूरे होते हैं। ये एक वीडियो है डायमंड का, जिनका नाम है पंकज सिंह कुंटल, राजस्थान से हैं और बीएसएफ में थे, सॉरी बीएसएफ नहीं कहते हैं, रेलवे पुलिस में थे ये, और प्रेजेंट टाइम में मुन्ना सरी डायमंड है। आज से 3 या 4 महीना पहले इन्होंने अपना घर लिया है, तो घर तो सबके पास है, पंकज जी के पास पहले भी होगा। तो घर और सपनों का घर में अंतर होता है क्या मोहतोष जी? कल आपकी वाइफ बोल रही थी और आपने क्या कहा, घर तो है ही, और आपकी वाइफ ने क्या कहा, ये घर नहीं सपनों का घर, कल इनकी वाइफ बोल रही थी। तो देखिए सपनों का घर कैसा होता है सेफ सॉफ्ट में, आपके सपने कैसे पूरे होंगे। और हमने कहा था सपनों का कार, जब जिंदगी इस बिजनेस के ऊपर शुरू किया था तो ये नहीं मालूम था कि जीवन में यहाँ तक ही कभी पहुंचा जा सकता है, लेकिन आज सच कह सकता हूँ कि अगर इस जाति का मालिक अगर आदमी बन पाया तो इसके पीछे की वजह मेरी अप्लाई की ताकत है, टीम की मेहनत है, और मैं बता नहीं सकता कि आज खुशी क्या है, कब 4 लाख रुपये की कार में चलना और आज 1 करोड़ की कार में चलना, मतलब हाँ बहुत लोगों को गाड़ियाँ डिलीवर कराई हैं और डॉक्टर को उनकी फीलिंग पूछी है, लेकिन सर हम आज शब्द नहीं मेरे पास अपनी फीलिंग को कहने के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जबरदस्त जबरदस्त, मतलब जिंदगी जमीन से आसमान तक पहुंची है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेंबर्स। और सर ने जो गाड़ी लिया है वो पोर्स का जो मॉडल है उसकी कीमत है 1.25 करोड़ रुपया, और कई लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लोन पे खरीदते हैं गाड़ियां, इन्होंने 1.25 करोड़ की गाड़ी ऑन कैश खरीदा है, नो ईएमआई, ऑन कैश। तो क्या लगता है कि ये स्लाइड सही बोलता है गलत बोलता है? ये एटेस्ट ट्रिप ट्रेनिंग जो आप लोग लेते हैं थर्सडे को ना, इस स्लाइड का एक एक पॉइंट रियल है और फैक्ट है, लोग ले रहे हैं ये सारी चीजें 2023 में, 2022 में सेफ सॉफ्ट के भीतर 700 डायमंड क्रूज पे गए थे वर्ल्ड टूर करने के लिए, तो जो डायमंड है उनका सपना पूरा हुआ क्रूज का। तो ये जो स्लाइड है सही है। आज के डेट में फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं? आपको पैसा कमाना ना पड़े और आपके पास पैसा आए, तो ये चीजें डायमंड बनने के बाद आपको मिलता है, जहां पे आपके पास महीने का 8 लाख भी होता है और आप 24 घंटा फ्री होते हैं, तो पैसा कमाना नहीं पड़ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। पहला क्या है, हवाई जहाज की यात्रा। अब जो व्यक्ति 8 लाख कमाएगा और जहां सुविधा फ्लाइट की हो ट्रेन से जाएगा, और क्या है, घर का देख लिया आपने, और ये पांचवा है बीच। हम लोग कहते हैं कि हम जब छुट्टी मिलता है हम लोग बच्चों के साथ जाते हैं कहां, दादी घर, नानी घर, या तो दार्जिलिंग या तो करसियांग या तो फिर कहां सुकना, यहीं तक सीमित है हम लोग, लेकिन संस्था बोलती है कि वहां तक सीमित क्यों है आप,
इस बिजनेस में डायमंड की जो छुट्टी मनती है वो मनती है पेरिस में। क्यों मनती है पेरिस में, हमारी क्यों नहीं मनती है? पैसा हमारे पास भी है लेकिन समय नहीं। सपने कैसे पूरे होंगे? अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हम लोगों को काम करना पड़ेगा। काम क्या है? सबसे पहला काम होता है कि हमको अपना लिस्ट बनाना है, जिस लिस्ट में सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल चार लोगों को ध्यान देना है, कि सामाजिक हो, पढ़ा लिखा हो, 15,000 रुपया देने योग्य हो और दिमाग का ठीक हो। और क्या है? 3 फिट रूल में। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर हमारे पास लोग ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं। भारत देश में कहा गया है कि 1 मिनट में 350 बच्चे पैदा होते हैं। कितने बच्चे? 350 एक मिनट में पूरे भारत देश में। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 350 मल्टीप्लाई 60 मिनट कीजिए कितना होता है? 3600 बच्चे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे में 3500 बच्चे पैदा होते हैं। और आपको कितने लोग चाहिए? 10,000 लोग। कितना चाहिए? यानी कि 3 घंटे का प्रोडक्शन इंडिया का आपको डायमंड बना सकता है। कितना घंटे का? भारत देश का 3 घंटे का प्रोडक्शन डायमंड बनने के लिए काफी है। और आप कह रहे हैं इस भारत देश में कि लोग खत्म हो गए। सारे तरफ, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। लिस्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, बशर्ते क्या है? 3 फिट रूल। यानी कि संस्था बोलती है कि आप कहीं भी जाइए, 3 फिट के दायरे में आने वाला व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है। क्या है? अब कहोगे सर कैसे प्रोस्पेक्ट है, वो तो अनजान व्यक्ति है। सिस्टम कहती है कि आपको बात करना सीखना पड़ेगा, कि आप किसी अनजान से भी बात करके आप उनको कैसे प्लान, अपना प्रोस्पेक्ट कैसे बना सकते हैं आप। बस ये चीजें आपको सीखनी है। अगर ये चीजें आप सीख गए तो शायद आपको कभी भी लिस्ट की कमी, जान पहचान खत्म हो सकता है लोग जान पहचान खत्म हो सकता है लोग कभी, और जान पहचान तो बनाने से बनता है। ठीक है, दूसरा क्या है? क्रैप मेथड फॉर लिस्ट। लिस्ट को छांटिए, कपल को अलग कर दीजिए, जो शादीशुदा आदमी है तो पति पत्नी एक साथ प्लान दिखाइए, रिस्पेक्टेबल लोग जो कि आदरणीय लोग हैं उनको भी प्लान दिखा सकते हैं, एमबीसीएस महत्वाकांक्षी लोग और प्रोफेशनल। यानी कि इस बिजनेस में ज्यादातर आप फोकस करें प्रोफेशनल पे। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? बीजी लोग। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमको तो लगता है कि ये काम फ्री लोगों का है, बेकार लोगों का, जो किसी के पास कोई काम ना हो वो ये काम करेगा। सिस्टम क्या कहती है? कि ये काम उनका है जिनके पास खाने को फुर्सत नहीं, क्योंकि जो फ्री है वो संतुष्ट है, जो बिजी है पैसा उसको ही कमाना है। और हम क्या बोल रहे हैं कि पैसा कमाने का प्लान है, और दे किसको रहे हैं हम? जिस जो लाइफ में संतुष्ट है। अब जिसके पास 2 घंटा ताश खेलने के लिए हो वो आपका प्लान लेगा? सोचने वाली बात है। लेकिन जिसके पास खाने का फुर्सत ना हो वो आपका प्लान लेगा। क्यों प्लान लेगा? क्योंकि वो बिजी कहां है? पैसा कमाने के लिए। वो बिजी कहां है? पैसा कमाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो जितना चाहता है कमा नहीं पा रहा है। तो अगर आप उसको ये प्लान देते हैं तो उसको लगता है कि जो हम चाहते हैं वो यहां से, अगर वो 10 घंटा, जैसे विश्वजीत जी का कहा कि मैं 11 से 11 ड्यूटी करता हूं, उसके बावजूद भी सेव तो कर रहा है। इसके पास बहाने थे कि सर मेरे पास खाने को फुर्सत नहीं है, लेकिन ये कर रहा है। दीपक जी के पास टाइम बिल्कुल नहीं है, यही कर रहे हैं। यहां पे वही लोग बैठे हुए जिनके पास टाइम नहीं है। एक भी आदमी यहां देखिए जिसके पास कि कोई व्यक्ति फ्री हो। कौन यहां फ्री दिख रहे हैं? देखिए पूरा एनजीपी स्टेशन के डिस्ट्रीब्यूटर ही है, इनके बिना एक चिप्स नहीं बिक सकता है स्टेशन पे। बिजी लोग हैं। कितने सारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हुए हैं वो देखिए। टीचर, गवर्नमेंट टीचर है, स्कूल से आती फिर डांस सिखाती है, उसके बावजूद भी सेफ सोप कर रही है। इनके पास बहाने हो सकते थे, सर मैं टीचर हूं और डांस क्लास, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी जो चाहिए नहीं मिल पा रहा है, इनको लग रहा है कि यहां से हो पाएगा। तो ये बिजनेस किनका है? ये बिजनेस बिजी लोगों का है। इसलिए प्रोफेशनल लोगों पर ज्यादा फोकस करेंगे आप लोग। अब क्या है? इन्विटेशन। लोगों को कैसे इन्विटेशन देना है? तो हमारे सेप्सो में कहा गया है कि जब भी आप इन्विटेशन दे तो एक चीज ध्यान दे, इनवाइट विथ गिविंग एटीट्यूड। यानी कि किसी को देने के भाव से आप किसी को इन्विटेशन दे। इन्विटेशन होता है मुन्ना सर कि जैसे हम किसी को प्लान देना चाहते हैं
तो प्लान देने से पहले जब उनसे हम टाइम मांगते हैं उसको बोलते हैं इन्विटेशन, क्योंकि हम किसी को प्लान नहीं दिखा सकते हैं अचानक से, हम उसे टाइम लेंगे, तो टाइम मांगने को बोलते हैं इन्विटेशन। तो जब आप किसी से टाइम मांगते हैं तो इन्वाइट विथ गिविंग एटीट्यूड, कि आप कुछ देना चाहते हैं उससे कुछ लेना नहीं चाहते हैं, तो देने के भाव से आप किसी को बोले और उसे टाइम दे। और क्लियर द नाइट, ये कहा गया है सेमिनार के लिए कि संडे को सेमिनार होता है, उस दिन हमारा काम क्या है कि अपने साथ नए गेस्ट को लाना। तो संस्था बोलती है कि अगर आप संडे के सेमिनार में गेस्ट चाहते हैं तो क्लियर द नाइट यानी कि शनिवार के शाम के बाद से आप लग जाइए लोगों को इन्विटेशन देने में, शनिवार के रात में आप लग जाइए लोगों को इन्विटेशन देने में। तो क्या होगा कि संडे को आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम गेस्ट रहेगा। फिर क्या है, डोंट, नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कोन, पब्लिक प्लेस, हरी, ये जो चीजें हैं कि नाम, काम और दाम, ये कब बताना नहीं है, जब आप किसी से टाइम मांगते हैं। तो इनविटेशन के टाइम पे आपको ये तीन बातें ध्यान देना है, नेम, वर्क और इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है। ये कब बताना है, जब वो मेरा प्लान देखने बैठेगा तो उसको बताया जाएगा, या जब वो सेमिनार आएगा तो उसको यहां पे प्रेजेंटेशन दी जाएगी, ठीक है। और पब्लिक प्लेस पर चर्चा नहीं करना है और जल्दीबाजी में यह काम नहीं करना है। सो द प्लान, ड्रेस कोड, हमेशा ड्रेस कोड, आप जब भी किसी को प्लान देने जाए आपका ड्रेस कोड सही होना चाहिए, टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, जिसको आप जितना टाइम देते हैं उसके पास उतना पहुंचिए। डिसिप्लिन, अब देखिए डिसिप्लिन की बात आई है, अब डिसिप्लिन क्या है। आज मुन्ना सर ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम आए, पता ये क्या क्या नोटिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग तो सुन ही रहे हैं, ये आप सबको नोटिस कर रहे हैं कि यहां का डिसिप्लिन क्या है। और आप मुझे बताइए इनको क्या, मैं आज इनको लगा होगा, लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई फोन उठा रहे हैं, कोई ऐसे कर रहे हैं, कोई पानी पी रहे हैं, इनको क्या लगा होगा, ये फर्स्ट टाइम आए हैं, इनका आपके प्रति क्या एक इमेज बना होगा कि सब कुछ अच्छा है लेकिन डिसिप्लिन ट्रेनिंग के टाइम पे लोगों का नहीं है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपकी टीम जब फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग में आएगी तो क्या, जैसे अगर ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं सुन रहे हैं, ये सबको देख रहे हैं, इनका फर्स्ट टाइम है आज, ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। तो जब आपकी टीम भी यहां फर्स्ट टाइम आएगी वो सब कुछ नोटिस करेगी, तो उसको क्या हम मैसेज देना चाहते हैं कि सेफ सॉप भी सिर्फ पैसा नहीं देता है, सेफ सॉप में बहुत कुछ है जो आप सीखते हैं और वो आप यहां दिखाते हो अपने नए लोगों को, कि डिसिप्लिन क्या होता है, सीरियसनेस क्या होता है, फोकस क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, कि यहां पर एक बंदा भी एक घंटे तक पानी तक नहीं पिया, फोकस होकर प्लान सुन रहा है और आपका फोकस देख करके वो फोकस रहेंगे। अगर इनका फोन बजेगा ना, इनका मजा ले, ये फोन उठा सकते हैं क्योंकि आप सबको देख रहे हैं, यहां कोई फोन नहीं चला रहा है, ये कभी नहीं फोन उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको देख रहे हैं कि ये फोन उठा रहे हैं आप, ये कल से भी उठाएंगे, नेक्स्ट टाइम से, कि मैं भी उठा सकता हूं, मैं भी इतना काम कर सकता हूं, तो ये डुप्लीकेशन कहां से गया, हमारे से गया। तो हम क्या चाहते हैं, अपने जो नए साथी आए उनको हम ऐसा माहौल दे, उस व्यक्ति को सिर्फ बिजनेस नहीं, यहां का माहौल इतना अच्छा लगे ना कि वो माहौल से बंध जाए, कि पैसा तो है और पैसे के साथ साथ क्या माहौल है यार, कि मैं कभी अपनी पत्नी को यहां लेके आऊंगा, कभी सोच सकते हैं कि मैं अपनी वाइफ को एक ट्रेनिंग जरूर चाहिए, कितना जबरदस्त ट्रेनिंग होता है, कितना जबरदस्त माहौल है यहां का। ये ड्रेस कोड, आप सभी लोग यहां पे जब भी आए तो ड्रेस कोड में आए, जब इनकी पत्नी फर्स्ट टाइम आएगी तो देखिएगी ना कि यहां का माहौल क्या है यार, कितने डिसिप्लिन लोग हैं, क्या ड्रेस कोड है सभी का, सब लोग सूट में हैं, सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। उनकी पत्नी क्या बोलेगी, मेरे पति लखपति चाहे बने न बने, इतना इस्माइल तो बन जाएंगे। इस माहौल में ये जब भी सेफ सब कहेंगे ना, इनकी पत्नी हमेशा इनको पुश, क्योंकि इनकी पत्नी को पता है यहां का माहौल क्या है, क्लीन माहौल है। ये कहें अपने दोस्तों के साथ है, घड़ाइए सेफ सब वाले के साथ में, ठीक है, क्योंकि उनकी पत्नी को पता है कि डिसिप्लिन क्या है यहां पे, तो आपका परिवार भी यहां आकर के आपको सपोर्ट करता है, उसने सब माहौल देखा हमारा। तो इस चीज को हमको थोड़ा मेंटेन करना है, डिसिप्लिन को। आज हमने क्यों ऐसा बात किया, क्योंकि आज दो तीन लोग ही हमारे साथ नए आए हैं, सब लोग पुराने लोग हैं, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग हो सकता है कि और नए लोग आएंगे, तो इस डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। पता है मैं अगर पानी पीऊंगा ना, सबको प्यास लगेगा, मैं नहीं पी रहा, मुझे प्यास लगा हुआ है, नहीं पी रहा, मैं पीऊंगा ना सब लोग पानी खोजेंगे, सर पानी पी लिए, इनको प्यास लग, हमको नहीं प्यास लग रहा है, पानी कहां है, अब सब जाकर पानी पिएंगे। आपको पता है डुप्लीकेशन।
तो मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं कि नहीं, मुझे फोकस नहीं खराब करना है किसी का, तो इसी को कहते हैं डिसिप्लिन। और मैं चाहूंगा कि 99% डिसिप्लिन आप लोग का एकदम बेस्ट है, 1% नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना है। टेस्टिमनी क्या है? टेस्टिमनी संडे के सेमिनार में आप सभी लोग, कुछ लोग सही कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी गलत कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे टहलने आते हैं, कुछ लोग मैंने देखा ऐसे पहले हाथ उठ मोल मल के एकदम पूरा ऐसे, फिर माथा तो नोच कर, क्या है ये संडे के सेमिनार में? आप टेस्टी मनी देने के लिए आए हैं, आप कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैंने इस सेफ शॉप से इतना कमाया है, और आप कैसे आ रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं और आपका एक्साइटमेंट क्या है? आप नीचे देख रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, मैं फलना जी मैं इतना कमाया हूं, ऐसे क्या है ये? आप कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं कि सेफ शॉप में लोगों का सक्सेस क्या है। और आप देखिए, जब मैं आता हूं स्टेज पे तो मेरा आवाज में देखिए ताकत क्या होता है, क्योंकि लोग आपके माध्यम से कंपनी की पावर समझते हैं कि देखो फलना आदमी कुछ महीनों में इतना कमा रहा है। और आप जिस तरह से बोल रहे हैं उसको विश्वास ही नहीं होगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं कि आपने सच में 20 कमाया है महीने भर में। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आपने इस बिजनेस से 1000 कमाया है ना, आप उसको भी इतनी दमदारी से बोलिए कि 1000 बहुत बड़ी इनकम है 1,00,000 के सामने, क्योंकि सेफ शॉप में लोगों को लगता है कि यहां कुछ होता ही नहीं है, और आपके पास 1000 का चेक आया। आप इस बात को इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें विश्वास नहीं था सेफ शॉप पे, लेकिन मेरे घर पे 1000 का चेक आया है और मुझे इतना विश्वास हो गया है कि मेरे घर पे अगर 1000 का चेक आ सकता है तो महीने का 8,00,000 दिया है। आप ऐसे बोलते, मुझे विश्वास नहीं था, आप ऐसे बोल, आप 1000 छोड़िए, आप 20,000 कैसे बोलते हैं? हम लोग ऐसे बोलते थे, और लोग वो लाखों का चेक से नहीं प्रभावित होते थे, लोग हजार के चेक से ज्यादा प्रभावित होते हैं कि इस व्यक्ति ने 1000 कमाया। मैं कितना बोलूंगा ना, मैंने यहां से 15,00,000 कमाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके 1000 से उन नए लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को टेस्टिमनी जिस तरह से देना चाहिए आप उस तरह से दे, है ना? अब क्या है, SW, समिल कम समिल नॉट कम सो वाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट योर वर्क। यानी कि इस बिजनेस में कहा गया है कि कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे, ये फैक्ट है, यहां दिया हुआ है कि सबको आप चाहेंगे आ जाए सेफ शॉप में, नहीं, आप माथा नहीं फोड़िए, सर मत फोड़िए किसी के सामने, कुछ आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। सो वाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट योर वर्क, यानी कि आप अपना काम लगातार करते रहिए, बहुत लोग हैं जो आपके टीम में आएंगे और आपको कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे पता था मेरे टीम में मोहतोज जी आएंगे। आपकी ज्वाइनिंग कब की मोहतोज जी सेफ शॉप में? 1 साल हुआ। मैं कब से काम कर रहा हूं? 3.5 साल। 3.5 साल पहले को पता था मोहतोज जी आएंगे टीम में? मैंने इनके लिए 2.5 साल वेट किया है, मतलब 2.5 साल मैंने काम किया है। सहज देखिए 2 साल से काम कर रहे हैं, मतलब मेरे 1 साल के ज्वाइनिंग के बाद साहस रहा है, आए ना साहस 1 साल के बाद, अगर मैं 1 साल में पेशेंस को देता तो। इसलिए लोग बोल रहे हैं सम विल कम सम विल नॉट कम सो व्हाट, तो क्या हुआ, बहुत लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। और सेफ शॉप में कहती है कि जिस दिन आपने सेफ शॉप ज्वाइन कर लिया आपकी 10,000 टीम बन चुकी है मार्केट में। जैसे मैं जब ज्वाइन किया था तो मोहतोज जी फिक्स थे मेरी टीम में आएंगे, समझ रहे हैं बात को? सरिता मैम ये फिक्स थे कि मेरे टीम में ही आएंगे। आप सरिता मैम सही सारे टीम में है तो फिक्स था। वो कब ज्वाइन किए, ये कब ज्वाइन की, वो कहां थे, ये कहां थे, लेकिन आज लिखा हुआ था कि जब सनी सर ज्वाइन किए थे तभी लिखा गया कि सरिता कुमारी सनी जी के ही टीम में जाएगी, और गई। चाहे सनी सर को इन तक पहुंचने में चाहे 2 साल लग गया होगा, क्या मैंने वैसे ही बात हुआ है? लेकिन सनी सर अपना काम करते रहे और सरिता जी मिल गई, और मैं अपना काम कर रहा हूं, आलोक जी आ गए, मुन्ना सर आ गए, संजय जी आ गए, आप सब लोग, पता है कब आप लोगों का, जब मैं ज्वाइनिंग किया था ना उस दिन ही आप लोगों का नाम लिखा गया था कहीं ना कहीं कि आप सब मेरे ही टीम में आएंगे। तो आज प्रेजेंट टाइम में आपकी टीम बन चुकी है मार्केट में, बस आपको पेशेंस रखना है
उन तक पहुंचने के लिए, तो बहुत लोग आपका वेट कर रहे हैं जो आपके ही टीम में आएंगे, क्योंकि उनका लिखा हुआ है वो कहीं और नहीं जाएगा। बसरते आप सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट, क्या है अपना काम, सो स्टार्ट योर वर्क। अभी क्या है फॉलो अप, कि जिसको भी आप प्लान देते हैं उसका फॉलो अप कीजिए। फॉलो अप करने से क्या होगा कि लोगों से जितना बार आप मिलेंगे उनका सवाल, उनका सवाल, उनका डाउट आपके सामने आएगा कि सर प्लान तो बढ़िया था लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो आप समझा सकते हैं। फिर मिलिए, प्लान तो बढ़िया था समय हो जाएगा बट मेरे पास पैसा नहीं है, समझाइए। फिर मिलिए, प्लान तो बढ़िया था समय भी हो जाएगा पैसा भी हो जाएगा, हमसे दो नहीं हुआ तो, फिर समझाइए। तो जितना बार आप उससे मिलेंगे उसका एक सवाल आपके सामने आएगा, आप उसके हर सवाल को संतुष्ट कर दीजिए, वो एक दिन क्या होगा सारा सवाल खत्म, वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। लेकिन सवाल खत्म होने में दो दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है और 20 दिन लग सकता है, यानी कि आपको उस व्यक्ति के पास 2 बार 10 बार 20 बार जाना पड़ सकता है और आपको वही करने में दिक्कत है कि सर हम 10 बार किसी के पास क्यों जाए, और वहां पे क्या आता है ईगो, और जब अब तक आपका ईगो खत्म नहीं होगा आप किसी के पास 10 बार नहीं जाएंगे, और अगर 10 बार नहीं जाएंगे तो लिखा हुआ है 80% सेल्स आर मेड ऑन 5th to 12th कॉन्टेक्ट, यानी कि कंपनी कह रही है कि 80% लोग 5 से 12 बार मिलने पे ही आएंगे, तो 10 में से 80 लोग आपकी टीम में तब ज्वाइन करेंगे जब आप उसका 5 से 12 बार फॉलो करेंगे। तो 5 से 12 बार कौन जाएगा किसी के पास, जिसके पास ईगो ना हो। और आप कहते हैं कि सर सब कुछ अच्छा है तो लोगों के पास 5 बार जाना क्यों पड़ता है, आप कहते हो सिर्फ सब अच्छा है, आप कहते हो कि हाँ डायमंड बनते हैं, आप कहते हो सपने पूरे होते हैं, जब सब कुछ अच्छा है तो लोगों के पास 5 बार 10 बार जाना क्यों पड़ता है, एक बार में लोग क्यों नहीं समझते हैं। मैं आपको बताऊं, आपका बच्चा स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता है, क्या पढ़ाई खराब चीज है? आपका बच्चा स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पढ़ाई का महत्व नहीं पता है, इसलिए बोलता है पापा आज पेट दर्द कर रहा है स्कूल नहीं जाएंगे, बोलता है मम्मी आज माथा दर्द कर रहा है स्कूल नहीं जाएंगे, आप बच्चे को उठो स्कूल जाना, नहीं नहीं आज हम नहीं जाएंगे, उस बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं है क्योंकि उसको पढ़ाई का महत्व नहीं पता है। तो महत्व किसको पता है, गार्जियन को, और गार्जियन क्या करता है, बच्चे को मारता भी है, बच्चे को जगाता भी है, खुद से ड्रेस पहनाता है, बैठाता है टंकी पे और जाके स्कूल छोड़ता है। इस बिजनेस में जब आप किसी को प्लान देते हैं वो वही बच्चा है जिसको पढ़ाई का महत्व नहीं पता है, जिसको सेफ शॉप का महत्व नहीं पता है, लेकिन क्या आप अपने बच्चे को छोड़ देंगे कि पढ़ना अगर नहीं चाहता है छोड़ दो, एक लिमिट समय तक आप उस बच्चे को बोलते रहते हैं बेटा शाम हो गया पढ़ो, बेटा शाम हो गया पढ़ो, बेटा स्कूल जाओ, बेटा स्कूल जाओ। अच्छी चीज है ना पढ़ाई सर, अच्छी चीज के लिए आपको अपने बच्चे को एक 10 साल 15 साल तक बोलना पड़ता, बच्चा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या पढ़ाई खराब चीज है, क्यों उसे भाग रहा है, क्योंकि उस बच्चे को पढ़ाई का महत्व नहीं पता है, लोगों को सेफ शॉप का महत्व नहीं पता है, महत्व आपको पता है, आप उसको बस समझा दीजिए महत्व क्या है सेफ शॉप का। हो सकता है 2 बार जाना पड़ेगा, हो सकता है 10 बार जाना पड़ेगा, वो बच्चा है जिसको सेफ शॉप का महत्व नहीं पता है, इसलिए फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ाई खराब चीज है, इसका मतलब यह नहीं कि सेफ शॉप खराब चीज है, इसका मतलब यह है कि महत्व हमको पता है उसको नहीं पता है, उसको बताना पड़ेगा, उस बच्चे को बताना पड़ेगा। आज एक टाइम होता है कि बच्चा को जब महत्व पता चल जाता है गार्जियन बोलता भी नहीं है बच्चा कॉलेज जाता है, लेकिन तब तक गार्जियन को लगना पड़ता है उस बच्चे के पीछे। तो आपको अपने टीम के पीछे जिसको आप प्लान देते हैं उनके पीछे लगना पड़ेगा, लग सकते हैं, इसी को बोलते हैं फॉलो अप। 100% यूजर, ये 4 चीज है, यानी कि फोल्डर, फॉर्म और ईमेल, और नरसी ग्रेवास का वीडियो यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन, कभी भी अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन क्रॉसलाइन, कभी भी बिना पूछ, कभी भी अपने डाउनलाइन और क्रॉसलाइन से नेगेटिव बात नहीं मत कीजिएगा। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो मनी, किसी के परिवार, किसी के आत्मसम्मान, किसी के परिवार के साथ नहीं करना है खिलवाड़। TBF टैप बुक फंक्शन, यानी कि वीडियो
बुक और फंक्शन के माध्यम से आपकी टीचेबिलिटी अच्छी होगी। तो आपके व्हाट्सएप पे कभी कभी मैं कोई लिंक भेजूंगा, उसको सुनिएगा, उसको बोलते हैं टेप। बुक प्रगति सूत्र आपके पास है, उसको पढ़िए। और फंक्शन, जितने भी फंक्शन होती है सेफ शॉप में, जैसे कि पहला थर्सडे की ट्रेनिंग, इसमें आइए, इसमें आना ही पड़ेगा, बिना सीखे सेफ शॉप में सफल नहीं हो सकते हैं आप। दूसरा संडे का सेमिनार, जहां पे अपने गेस्ट को आप लेके आ सकते हैं। दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज SPS, BBS और कोर ट्रेनिंग, ये आपको 2-3 महीने पे इस शहर में होते रहेगी, उसको अटेंड करना है और अपने टीम को करवाना है। तीसरा चीज डायमेंशिप भी करना है। चौथा दिशा वर्कशॉप, जब भी मिलेगा आपको वो चीज। तो जितने भी फंक्शन होती है सबको आपको अटेंड करना है। ये क्या है? एडिफिकेशन, कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में और कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में। हमेशा लोगों को पॉजिटिव बातें बोलिए। तीसरा है, दूसरा है सिंगल माइंड अप्रोच, एक ही कंपनी में काम कीजिए, सेफ शॉप में भी आईडी और दूसरा कंपनी में भी आईडी, कभी गलती से नहीं। कई लोग यही गलती कर देते हैं, किसी की दो मां नहीं हो सकती है, चाहे मेरी मां पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो, मां तो मां ही है। ये बोल सकते हैं मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं है, एक तो पढ़ी लिखी मां चाहिए हमको, पापा को पापा जी, ये मम्मी ठीक है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, एक मम्मी हमको और चाहिए जो पढ़ी लिखी हो। तो सेफ शॉप में चाहे 1000 कमी हो, जहां आपकी आईडी लग गई है सर ना, अब चाहे जैसा भी है यही मां है और यही 4 साल काम करना है और सफलता। अब ये नहीं कि कोई कंपनी बोलता है सर आपकी सेफ शॉप देती है 1 पे 500, हम देंगे 1 पे 600, आइए मेरे पास और चल दिए उसके पास, कभी नहीं। सेफ शॉप अगर 500 ही देती है ना, हम 500 ही कमाएंगे, क्योंकि हम मां नहीं बदल सकते हैं। हम 8 लाख ही कमाएंगे, हमको 50 लाख नहीं कमाना है। कई लोग बोलेंगे हमारी कंपनी महीने का 10 लाख देती है, अब तो 8 लाख देती है, भैया हमको 8 लाख चाहिए। हम अपना फेस वैल्यू मार्केट में खराब नहीं कर सकते। आज सेफ शॉप बढ़िया, कल वो बढ़िया, तो आदमी क्या बोलेगा कि आप सच कब कहते थे या झूठ कब कहते थे? आप तब सच कहे थे कि सेफ शॉप बढ़िया है, कि आज आप सच झूठ बोल रहे हैं कि सेफ शॉप खराब है? और मार्केट में क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा लोग आपकी बात सुनेगा ही नहीं। क्यों? ये तो 10 कंपनी में काम करते हैं, कभी यहां तो कभी वहां तो कभी यहां। इससे बढ़िया है कि एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे तब तक जब तक पानी ना निकले। बिहार में हो सकता है कि 30 फीट पे पानी आता है और बंगाल में कहां 10 फीट पे। अब बंगाली आदमी जाएगा बिहार में 10 फीट खोदेगा, पानी है कहां, खत्म हो गया दुनिया से पानी, तो बिहारी क्या बोलेगा, भाई साहब बिहार है 20 फीट और खोदिए, लेकिन एक ही जगह खोदिए। आप सोचेंगे कि 10 फीट यहां खोदे, 10 फीट वहां खोदेंगे, 10 फीट वहां हो गया, 30 फीट नहीं, एक ही जगह 30 फीट खोदिए पानी निकल जाएगा, वो बंगाल में 10 फीट होगा है। तो इसी तरह से एक ही जगह खोदना है। और डुप्लीकेशन, हमने कहा हर चीज में डुप्लीकेशन होता है, आपकी टीम आपको देख के सीखती है हर चीज। टारगेट तो सबको पता ही है, टारगेट सब निकला हुआ है लीजिए, ठीक है। इसी बातों के साथ आज की इस ट्रेनिंग को यहाँ पे समाप्त करेंगे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि लेट से स्टार्ट हुआ था।